आज अपन बनाएंगे तुरई और भिंडी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। बने रहेगा वीडियो में, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए बनाना शुरू करते हैं तुरई और भिंडी की स्वादिष्ट सब्जी। ये मैंने 200 ग्राम भिंडी ली है, 200 ग्राम तुरई ली है। अब तुरई और भिंडी को काट के रेडी कर लेंगे। भिंडी और तुरई को मैंने काट के एकदम रेडी कर लिया है। हरी मिर्च भी 8-10 काट के रेडी कर ली है, क्योंकि तुरई और भिंडी में हरी मिर्च डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में करीब 2 चम्मच तेल डाल देंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अभी थोड़ा सा इसमें राई डालेंगे और 1/2 चम्मच राई जीरा डालने के बाद को आधा मिनट तक हल्का फ्राई कर लेना है। ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, क्योंकि मिर्ची का टेक्सचर चला जाएगा ज़्यादा चलाएंगे तो। अभी सबसे पहले तुरई को डालेंगे। तुरई को डालने के बाद इसको आधा मिनट तक मिक्स कर लेंगे। मिर्ची में तुरई मिक्स करने के बाद अभी इसमें भिंडी भी डाल देंगे। मैंने तुरई को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी इसमें भिंडी को भी डाल देंगे। फाइनली भिंडी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे धीमी आंच पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। टीआरएस किचन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाजू बेल आइकन दबा देना। अभी इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी इसमें कम ही डालना है, मैंने 1/4 चम्मच ही हल्दी इसमें डाला है। हल्दी को पहले मिक्स कर लेंगे और थोड़ा 1/2 मिनट तक हल्दी को पका लेंगे। अभी 1/2 मिनट तक मैंने हल्दी को पका लिया। अभी इसमें नमक डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच इसमें नमक यूज किया है। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। अभी सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी सब्जी में थोड़ी लाल बन रही है भिंडी की, तो आगे इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड करना पड़ेगा ताकि भिंडी लाल छोड़ दे। अभी इसको ढक्कन लगा के पहले पका लेंगे, करीब 2 मिनट तक छोड़ देंगे। ढक्कन लगाए हुए 2 मिनट हो गए हैं, भिंडी को चेक करेंगे। फाइनली भिंडी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर दिख रहा। अब इसमें नींबू डाल देंगे। इसमें करीब 8-10 नींबू की बूंदें डाल देनी है ताकि ये भिंडी में जो लाल बन रही है वो छूट जाए। भिंडी की सब्जी शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तुरई और भिंडी की सब्जी साथ में बनाएंगे तो। फाइनली भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप बनाए भिंडी की सब्जी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी।